और ये देखो जी आगे फोटो, यहाँ तो ऐसी होती है यहाँ जापान में दुकानें, ये देख सकते हैं आप। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप लोगों का आज के एक और नए ब्लॉग में। जी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। तो आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैं और मेरे दोस्त जितेंद्र जी जा रहे मार्केट साइड में। तो आज भी वैसे बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, तो देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। और ये आप देख सकते हो आजकल यहाँ धान की बुआई शुरू होने वाली है। ये देख लो, ये खेतों में पानी लगाया हुआ है लोगों ने, तो ये धान बुआई हो रही सर, वही अपना इंडिया वाला सिस्टम। और ये मशीन देख रहे हैं आप, जापान में बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसे आप कहीं भी ये डिपार्टमेंट स्टोरों के सामने लगी रहती कहीं भी, तो उसे आप अपना सेल्फ फ़ोटो ले सकते हैं और प्रिंट आउट करा के एक मिनट में ले सकते हैं। तो देख लो आप, ये मुझे सबसे बढ़िया सिस्टम लगा जापान का। तो ये है सर इसका कुछ सिस्टम, तो इसे तुम अपने सेल्फ से फोटो ले सकते हैं। तो अभी दिखा दो तो कैसे प्रिंट आउट होके बाहर आएगा। ये देख लो आप, ये हो गया। और ये देखो जी आगे फोटो, यहाँ और ये देख लो आप, आजकल इतनी बरसात हो रही है यहाँ कि कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। ये अभी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये देखो कितना ज़्यादा पानी है। कभी कभी इस नदी में इतना पानी रहता नहीं है, तो आजकल लगातार बारिश हो रही है। बस हर कोई बंदा परेशान है आजकल बारिश से। और ये जो आप पीछे से देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, ये सीधा ओसाका तक मिलता है, ये तो हाईवे समझ लो इसको। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा नज़ारा ये देख सकते हैं आप। अभी मैं कैमरे को चारों तरफ घुमा देता हूँ, ये देख लो आप, बीच में नदी भी गुजर रही है और आगे पीछे गांव भी है। और ये है कुछ इधर के बारे में सर। और ये देख लो आप कितने बादल लगे हुए, कहीं पर बादल छटे हुए भी हैं तो वहाँ पर हल्की सी धूप आ रही है, तो आजकल बारिश ने कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखा हुआ है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में कितना प्यारा सा नज़ारा है, ये देख लो आप। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ सिटी ऑफिस में, थोड़ा उधर काम है ज़रा। काम तो क्या है, मतलब अपना थोड़ा जो नया वीजा होता है उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो उधर से थोड़ा कुछ पेपर प्रिंट आउट करके लाने हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसा एरिया उस साइड में, तो बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों ये पहुंच गया मैं यहाँ के सिटी ऑफिस में, और ये आप देख सकते हैं ये इधर का सिटी ऑफिस। तो अब चलता हूँ इसके अंदर, ज़रा थोड़ा पेपर निकाल लें। अंदर मैं कैमरा यूज कर नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों जो मेरा काम था सिटी ऑफिस में वो तो हो गया पूरा, तो अब चलता हूँ मैं रूम पे। अभी मेरे रूम पे जाते जाते कम से कम आधा या 40 मिनट के लगभग लगेगा, मतलब अपने रूम से और जो सिटी ऑफिस है ना बहुत दूर है। तो बैठा हूँ साइकिल में, अभी आनंद ले रहा हूँ, और जापान में साइकिल सवारी तो बहुत फेमस है, मज़ा आता है। तो ऐसा है कुछ इधर के बारे में सर। तो दोस्तों अभी मैं घूमते घूमते इधर तक आ गया हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जापान की जो गांव साइड में दुकानें होती हैं वो कैसी कैसी होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में ना होती चीनी चाय पत्ती वाली, तो उसके बाद इधर थोड़ा और स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, तो वो दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है इधर दुकानों पर, ठीक है। गाँव साइड में जैसी होती है इधर चीनी चाय पत्ती तो नहीं, तो लेकिन इधर का अपना अलग सा स्टाइल है, तो उसको दिखाता हूँ आपको। तो ऐसी होती है यहाँ जापान में दुकानें, ये देख सकते हैं आप। ये अगर किसी ने मिर्च लेनी तो इस हिसाब से, ये शिमला मिर्च है रेड वाली, और ये येलो कैप्सिकम है, और ये भी, हाँ ये भी मिर्च ही है। इन पे प्राइस लगे हुए हैं, तो आप ये देखो इन्होंने सारे गमलों में लगाए हुए एक एक करके ने, तो उसके बाद इनको आप लेके अपने घरों में भी लगा सकते हैं। ये देखो ये ब्रिंजल है, इसमें इसकी फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि कितने का कैसी इसकी क्वालिटी होगी और कितना इसका प्राइस है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सारा ये यहाँ पे कद्दू पंपकिन, ये भी आपको मिलेगा, मतलब एक एक पीस करके आप ले जा सकते हैं। ये टमाटर है, ये टमाटर देखो आप, इस छोटे वाले टमाटर है लाल कलर के, और ये येलो कलर के हैं, ये थोड़ा महंगा है, और ये उससे भी छोटे हैं। ये फूल हैं, ये आप देख सकते हैं, ऐसा होता है जापान की दुकानों में। तो ये देख लो आप, ये सिस्टम है इधर, और ये उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अरबी होगी, और ये वो लेटस, और ये हो गया ग्रीन प्याज, ये क्या है ये, और इसके बाद ये मिर्च है, उसके बाद और उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो ये देख लो यहाँ सारे बीज लगाए हुए हैं ना क्वालिटी करके। ये देखो यहाँ कैसे कैसे बीज, ये फूलों के बीज हैं सारे, और ये यहाँ पे ये वेजिटेबल के हैं सारी वैरायटी, कौन सी क्वालिटी है कैसी है ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास। और ये फ्लावर भी हैं यहाँ पर, और ये है अपने अदरक, तो बड़ा महंगा है ये, 1600 येन का लिखा हुआ है, तो प्राइस भी 1 किलो 1600 येन का है और आधा किलो 800 येन का। तो ये आप देख सकते हैं घर का फ्रेश अदरक है, ये देख लो अभी इनमें मिट्टी लगी हुई है अभी, ये देख लो पैक किए हुए फर्स्ट क्लास ढंग से। तो ऐसा कुछ है इधर के बारे में। अभी आजकल शायद है नहीं वेजिटेबल, तो खाली खाली है जैसे गाँव में होता है। और उसके बाद ये यहाँ की गार्लिक देख सकते हैं आप, ये सबसे महंगी गार्लिक है जापान की, ब्लैक गार्लिक होती है ये सबसे महंगी, ये 1500 CM की है ये। तो ऐसा कुछ है इधर के बारे में। तो ये है सर छोटी सी दुकान जापान की, जैसे गांव साइड में होती है वैसी है ये। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से, इधर ज़्यादातर चीज़ें मतलब गांव से ही आती है। ये देख लो आप, ये चावल के पैकेट बने हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये सारा ऐसा कुछ है इधर के बारे में। तो मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से लगाए हुए दाल धूल सारी, और ये यहाँ पे केक वोक के बंद बुंद जो भी होंगे, तो ऐसा है कुछ। तो दोस्तों अब रूम पे पहुँचने ही वाला हूँ, तो बस थोड़ा आराम कर रहा था साइकिल चलाते चलाते, थोड़ा चढ़ाई है यहाँ पे, तो थोड़ा खड़ा हूँ अभी। तो होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।